स्टार्ट। सो गाइस अभी हम खेलने जा रहे हैं एक होली स्पेशल गेम जो कि तो गाइस ये रहे हमारे दही भल्ले एंड ये दही वेलकम बैक टू माई चैनल अगेन एंड आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ खुशी एंड आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। अभी टाइम हो रहा है 10:30 एंड आई नो बहुत लेट स्टार्ट हो रहा है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी होली टू ऑल। एंड होली वाले दिन बहुत लेट ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है, मुझे पता है कि बस सो रही थी। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं कुछ बनाने की प्रिपरेशंस बनाने की दही भल्ला बनाने की प्रिपरेशंस में जा रहे हैं। गाइस आपको मेरे पूरे ब्लॉग में कलर कम दिखेगा, खाने को ज़्यादा दिखेगा, ये मेरे पक्की बात है। तो चलो चलते हैं दही भल्ले बनाने। तो गाइस के चलो भी बन रहे हैं दही भल्ले एंड ये देखो ये रहे हमारे दही भल्ले। सो गाइज यहाँ पर हम मैंने ऑन कर दिया था टाइम लैप से एंड हम यहाँ पर बना रहे थे दही बड़े। तो मैंने थोड़े से डाले थे और यहाँ पर आ गया था फोन, तो मम्मी वही कर रही थी एंड दही बड़े भी साथ साथ बना रहे थे हम। एंड मैंने साथ साथ कुछ ना कुछ दही बड़े खा भी लिए थे जैसे कि आप देख ही सकते हो उसमें। तो दही बड़े बहुत अच्छे बने थे वैसे तो। तो गाइज अभी मैं अपने पकौड़े लेके जा रही हूँ अंदर नाश्ता करने, क्योंकि मैं ही सबसे लेट उठी थी, इसलिए अपन चलते हैं नाश्ता करने। एंड यहाँ पर हैप्पी भी सो रहा, देख सकते हैं आप हैप्पी भी सो रहा है। तो बस मैं अभी उठूँ तो मुझे नाश्ता करना है। एंड गाइस कल क्या हुआ, कल हम गए थे ना शॉप पे गए थे तो मेरे पैर में भी लग गई, मैं गिर गई थी। तो चलो अब मैं अपने पकौड़े इन्जॉय करती हूँ आपके साथ एंड फिर मिलती हूँ आपसे, देखते हैं फिर। ये ट्राईपॉड निकल रहा, कुछ खुल गया और मेरी चाय अभी मम्मी दे देगी। क्या बात है, ये क्या हो गया, सॉरी। सो गाइस अभी बज गया 11:30 एंड मुझे हो गया एक अरे कहना क्या चाहते हो, एक हफ्ता एक घंटा सोकर उठकर एंड अभी हैप्पी भी उठ चुका है तो हैप्पी होली बोल दो। तो गाइस डोंट इग्नोर इग्नोर करो उसको। एंड मुझे एक चीज़ और बतानी है आपको कि मेरे डैडी ने खोला अपना यूट्यूब चैनल जिसका नीचे मैं कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगी। तो आप इसको तो आप उस वो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। एंड गाइस ये देखिए यहाँ पर हमारे दही भल्ले भी रेडी हो चुके हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, लुक ये देखिए, लग रहा है ना बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग। एंड गाइस जैसे कि मैंने बोला कि मेरे पूरे व्लॉग में आपको होली में खेलूंगी या नहीं खेलूंगी मुझे नहीं पता, लेकिन खाने का आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि मैं खाती ही रहूँगी आज के दिन पूरे दिन। अभी मैंने खाए आलू के पकौड़े, गोभी के पकौड़े और मैंने जो ये दही भल्ले वाले जो भल्ले नहीं होते, जो मतलब जो ये होते हैं क्या कहते हैं इनको, गोल गोल जो भी भल्ले होते हैं, हाँ बिना पानी में भिगोए वाले भल्ले भी मैं ये खा रही हूँ बीच बीच में। मेरा तीसरा भल्ला है एंड बहुत टेस्टी है। तो अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए हो तो आप मेरे को बता देना, मैं आपके लिए लेकर आ जाऊँगी। हाँ तो गाइस मैं नीचे कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस चैनल के लिंक दे दूंगी, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लेना उस चैनल को भी। एंड मेरे चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर लो। और गाइस मैं देखती हूँ कि जो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है ना वो लोग ज़्यादा जो है हमें वो करते हैं। और ये देखो ये चीज़ें मेरी है जो ये लेकर आ चुका है, ये भी हम बाद में खाएंगे गाइस। एंड कमरा तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाला ना सड़ाला हो रहा है, बिगड़ा हुआ है, मैं मारूंगी, खाऊंगा। एंड अभी मुझे डैडी के चैनल पर एक और वीडियो डालनी है, अपलोड करनी है। टाइम हो रहा है 12:00 पौने 12 एंड होली तो हम खेल रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हम अपने आप को रेडी कर जो है वीडियो ही बना लेते हैं कुछ। एंड होली है तो मैंने सोचा कि कुछ वाइट पहनते हैं, तो आ रही हूँ तो इसके हाथ भिजवा दो, तो कुछ वाइट ढूंढ रही हूँ। वैसे मेरे पे ना वाइट एक कुर्ता रखा है तो
तो मैंने सोचा कि वो पहन लेती हूँ, बट इस टाइम पर कुछ मिलना भी तो गाइस। तो चलो मैं अभी आपसे ना वो कुर्ता ढूंढने के बाद। सो गाइस ये देखिए, ये मेरा ये कुर्ता है वाइट कलर का, फ्लावर वाला, फ्लोरल प्रिंट है इस पर, फ्लोरल प्रिंट का कुर्ता है ये वाइट वाला देखिए। और इसकी इतनी बाजू है लेंथ, तो इसका फुल लुक है। तो मैं ये कुर्ता पहनने जा रही हूँ, लेकिन गाइस कुर्ते से पहले तो घर का मैसअप देखिए आप। गाइस आप घर का मैसअप देख सकते हैं, इसलिए पहले मुझे जो है घर को पहले समेटना पड़ेगा, उसके बाद मैं रेडी होंगी। तो चलो जल्दी से आप और मेरे साथ घर समेटते हैं। गाइस मेरा कलर लग भी चुका है हर्बल कलर, एंड हर्बल कलर था इसलिए ये छूट भी चुका है ग्रीन कलर का कलर। एंड मैंने ज़्यादा कलर नहीं लगवाया क्योंकि गाइस मुझे वीडियोज भी शूट करनी है अच्छी अच्छी। एंड चलो अब देखते हैं आगे क्या हो रहा है, क्योंकि बाहर बज रहा है ढोल। सो गाइस मैंने मेकअप वगैरह सब कर लिया है। हाँ थोड़ा सा वियर्ड है सुनने में कि होली है और मैं मेकअप करा है। यस मैंने मेकअप करा है क्योंकि मुझे करना है गाइस फोटो शूट एंड वीडियोस बनानी है, तो मैंने बहुत मिनिमम सा मेकअप लगाया, लाइनर एंड लिपस्टिक दैट्स इट। एंड थोड़ा सा लगाऊंगी मैं बाद में गुलाल, अभी मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया, अभी मैं खा रही हूँ अमरूद। तो चलो अमरूद खा के मिलती हूँ आपसे। तो गाइस फिर से मेरा लुक चेंज हो गया है, मतलब मैंने कुर्ता तो वही पहना, नीचे जीन्स पहन ली एंड झुमके पहने थे क्योंकि मैंने बनाई थी झुमके की कुछ वीडियो, और वो वीडियो देखने के लिए था आपको मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा, ये री आई डी नीचे लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फिर जाकर फॉलो कर लेना। एंड अब मैं खा रही हूँ खाना, तो खाने में है बिरयानी। हैप्पी चम्मच लेकर आई हूँ, जा चम्मच लेकर आई हूँ। हाँ तो चलो मैं खाना खाकर मिलती हूँ आपसे, एंड इतने मैं ढूंढती हूँ थोड़ी सी और रील्स आपके लिए बनाने के लिए। अभी हम बना रहे हैं मठरी और गुजिया, क्योंकि वैसे तो हमने गुजिया कभी बना ली थी लेकिन जो उसमें मसाला होता है वो बच जाता था, तो इसलिए हमने इसकी और गुजिया बनाई है और मठरी बना रहे हैं। हम मठरी में बेलूँगी, तो चलो हम लगाते हैं टाइम लैप्स से। एंड गाइस लाइट जा चुकी है, लाइट नहीं आ रही है इसलिए मैं आपको नहीं दिख रही होंगी, मुझे पता है, लेकिन अब मैं दिख जाऊँगी। एंड ये हर्बल गुलाल है ना गाइस, तो ये ना यूँ ही हट जाता है बिल्कुल, इसलिए मुझे ये गुलाल अच्छा लगता है। एंड टाइम लैप्स पे मैं लगाती हूँ, एंड फिर आप मठरी बन रही है। ये मठरी एक्चुअली मैंने थोड़ी सी ज़्यादा डल गई थी इसलिए ये ऐसी हो गई है, मतलब ये थोड़ा टाइम ले रही है। एंड यहाँ पर है हमारी ये गुजिया है, गुजिया भी देखने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही है। एंड यहाँ पर ये मठरी की पेड़े रखे हुए, मठरी की लोइयाँ रखी हुई हैं और ये मैंने बेल के रखी हैं, और इनमें मैंने ना कांटे से छेद भी करे हैं जिससे कि ये ना तेल में जाकर इनकी तरह फूले ना। तो अभी हमारा काम प्रोसेस पर है, यहाँ पर भी इसमें भी हमारी गुजिया ही है। ये हमारा दही भल्ले का मसाला है जो कि भुने हुए जीरे और काली मिर्ची से बनता है। एंड दही भल्ले हमारे फ्रिज में रखे हैं जो कि मैंने आपको सुबह दिखाई दिए थे। सो चलो अब मैं मठरी बना कर मिलती हूँ आपसे। सो गाइस अभी हम खेलने जा रहे हैं एक होली स्पेशल गेम जो कि मैंने बहुत दिनों से सोच रखी थी मैं खेलूंगी, लेकिन मुझे कोई मौका नहीं मिला था। तो बेसिकली इस गेम में क्या है, इस तरीके से हमने बलूनों की दो लाइन लगा दी जिसमें चार चार बलून है एंड आगे बीच में एक वन बलून है, तो हमें इन सब चीज़ों को फोड़ना है एंड जो लास्ट बलून को फोड़ेगा वो होएगा विनर। सो चलो चलते हैं स्टार्ट करते हैं। सो गाइस यहाँ पर हमने ना अपनी गेम ना स्टार्ट कर दी थी, तो बेसिकली गेम ऐसी थी कि दो 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 लाइनें है ना, हमें इसको इन बलून्स को बैठ के फोड़ना था और ये जो एक आगे बलून है इसको फोड़ना था। तो यहाँ पर मैं कह रही थी जब मैं स्टार्ट करूँ जब भी करियो, तो यहाँ पर मैंने बोला था स्टार्ट हो गया था गेम। तो गाइस ये देखिए इसने अपने हाथ से फोड़ा था, तो मैं इससे यही कह रही थी कि तूने चीटिंग करी है, तूने अपना बलून हाथ से छोड़ा है। तो मैं यहाँ पर अभी यही बता देती आपको, लेकिन मैंने म्यूट कर दिया।
तो गाइस इस गेम की विनर तो मैं थी। अगर आप भी मेरे को बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि हम दोनों में से विनर कौन था। तो गाइस बट गेम में तो मैं ही विनर थी, क्योंकि इसने ना बलून हाथ से फोड़ा था और ये यहाँ पर रो रहा था कि मैं जीता हूँ। लेकिन गाइस सच्चाई यही है कि इस गेम की विनर मैं ही थी। बाकी आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि इस गेम में मैं जीती हूँ या फिर हैप्पी जीता है। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार। सो गाइस अभी बज रहे हैं 4 एंड अब हो रही है बहुत खतरनाक तरीके से बोर एंड हैप्पी कर रहा है पढ़ाकू, यू नो ना पढ़ाकू बच्चा पढ़ाई कर रहा है वो। एंड मैं चाय बनाने जा रही हूँ एंड मैं आपको दिखाती हूँ एक चीज़ से। देखिए मैंने ना अपनी जो मेरी स्टडी टेबल का ड्रॉअर है उसमें ये वाला जो है की चैन डाल लिया है बैटमैन का। तो चलो मैं चाय बना कराती हूँ और आपसे फिर मिलती हूँ। सो गाइस अभी बज रहे 7:45 एंड आपको मेरी आईज से ही लग रहा होगा कि मैं अभी सोकर उठी हूँ और ये नपने वन की कर रहा है। एंड अब का क्या प्लान है, अब मेरे को मैं बनाऊँगी अपने लिए गोलगप्पे, अपने लिए सबके लिए गोलगप्पे बनाऊँगी और आपको भी दिखाऊँगी। अब सो गाइस यहाँ पर हम बना रहे हैं गोलगप्पे एंड गोलगप्पे आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा गोल 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 गोलगप्पे हैं। ये बाजार वाले बन रखता है इसलिए ज़्यादा फूल रहा और क्रिस्पी तो बहुत ही ज़्यादा है। मैं भी आपको दिखाऊंगी भी। तो ये दो हमारे हो चुके हैं तो हम इन्हें जल्दी से निकाल देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस ये एक गोलगप्पा हमारा इसके अंदर डला है। तो अब हम इस पर इस तरीके से तेल डालेंगे तो ये अपने आप ही फूल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फूल चुका है। एंड ये वाले भी यहाँ पर डन है बिल्कुल गोल गोल गप्पा। मजा गाइस यहाँ पर बन रहे हैं गोलगप्पे एंड गोलगप्पे का पानी मैं आपको दिखा। ये है यहाँ पर गोलगप्पे एंड ये है उसकी, ये गोलगप्पे फ्राई हो रहे हैं एंड ये है उसका पानी। सो गाइस टाइम हो रहा है 7:45 एंड हमने बनाए थे गोलगप्पे एंड वो गोलगप्पे इतने टेस्टी थे। आइए हम इनसे इन शख्स से पूछते हैं आपको गोलगप्पे कैसे लगे। मैंने आज तक दुनिया में ऐसे गोलगप्पे कभी नहीं खाए। अब चलो दीदी एक और चैलेंज करते हैं बाद में। तो गाइस गोलगप्पे ना बहुत टेस्टी बने थे। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मेरे को बता देना, वैसे रेसिपी की मैं क्या दूँ। पानी सबको बनाना आता है, आलू की पिट्ठी भी आती है, गोलगप्पे तो हम बाजार से लाए थे। सो गाइस गोलगप्पे तो बहुत अच्छे थे एंड रात हो गई है, अब खाने में बन रही है दाल चावल। आइए हम बाकी के लोगों से व्यूज लेते हैं। आपको गोलगप्पे कैसे लगे? बहुत अच्छे। अच्छा ठीक है। आपको गोलगप्पे कैसे लगे? बहुत बढ़िया, टेस्टी। तो गाइज यहाँ पे मैं कर रही थी अपनी पढ़ाई, क्योंकि मेरा गाइज होली के अगले दिन था पेपर, यानी कि एग्ज़ाम था मेरा संस्कृत का। एंड ये मेरा संस्कृत का मेरा लास्ट एग्ज़ाम था। तो अब से मैं ब्लॉग डेली लाने की कोशिश करूँगी। तो अभी तक मेरे चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब कर लो। साथ में अमरूद भी खा रही थी और पढ़ाई कर रही थी मैं, तो मैंने टाइम लैप्स भी ऑन कर दिया था जिससे आपको दिखा। सो गाइज अभी बज रहे हैं 9:15 एंड यहाँ पे ना ढोल बज रहा था तो मैं डांस कर रही थी। एंड ये बदतमीज इंसान ही इतना बदतमीज है, इसने वो चीज़ मेरी वो चीज़ रिकॉर्ड कर ली इसने डांस करने की, तो मैं वो डाल दूँगी आप देख लीजिएगा। और गाइज प्लीज मेरे को जज मत करिएगा, मुझे पता है गाना ज़्यादा अच्छा वो डांस ज़्यादा अच्छा नहीं था। हाँ मम्मा इधर ही आ जाओ ना, आ रही हूँ। एंड गाइज अपना दिन हम एंड करते हैं ठंडे ठंडे दही भल्ले भल्लों के साथ। तो आप दही भल्ले देख सकते हैं स्टार्ट, आप ये देख सकते हैं दीदी की पागलपंती आज पहली बार व्लॉग में आई है। तो गाइस ये रहे हमारे दही भल्ले एंड ये दही भल्ले के साथ ही हम अपना आज का पूरा दिन एंड करने वाले हैं। तो यहाँ पर मेरे लिए प्लेट लगने जा रही है, ये है भल्ले दो भल्ले, तो ये दो भल्ले एंड बस आ गई गर्मा गर्म। नहीं
अरे कहना क्या चाहते हो? नहीं सॉरी सर, ठंडी ठंडी दही गर्मा गर्म दही तो देना होती है। तो ये दही भल्ले आ गए एंड उसके ऊपर से हम इसमें डालेंगे अभी थोड़ा सा सारे मसाले इसके। तो अभी आप अभी हम इसमें थोड़ी सी दही और डालेंगे। तो गाइस ढोल की आवाज आप सुन ही सकते हैं कितनी मस्त आ रही है ना। एंड देखिए दही भल्ले भी कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं। अब इस पर डाल दिए हम मसाला, डाला हमने ज्यादा डालो। ठीक है तो मसाला हमारा डन है एंड इट्स डन टू ईट। थोड़ी सी रेड चिली भी डलवा लेते हैं। रेड चिली भी डाल दो थोड़ी सी। तो हम इसमें थोड़ी सी रेड चिली डलवा रहे हैं। ओए होए 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 होए, अब आई है ना कुछ गाइस रंगत सी। तो अब हम इसको जो है खाते हैं एंड आपसे फिर मिलते हैं। सो गाइस ये रहे मेरे दही भल्ले एंड मैं आपको इसका रिव्यू देती हूँ। ये तोड़े हमने भल्ले एंड इट इज माय जवाब एक नंबर लग रहे हैं। मैं तो ये तीनों अकेले खाने वाली हूँ, फिर आप भी इसको बना सकते हैं। रेसिपी चाहिए तो कमेंट करो, मैं लेकर आऊंगी। एंड आज का व्लॉग हम करते हैं यहीं पर खत्म इन ठंडे ठंडे दही भल्लों के साथ में। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और नीचे मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में इंस्टाग्राम की आईडी है, उस पर जाकर मुझे फॉलो भी कर लीजिएगा। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।